हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्लटर को एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ इजीएस्ट वे में कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। आपने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेना है और इसके बाद आपने क्लिक करना है कॉन्फ़िगर के ऊपर। ओके, मैंने क्लिक किया। यहाँ पर आपको प्लगइन्स लिखा हुआ नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। प्लगइन्स पर हमने क्लिक कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास लाइब्रेरीज लोड हो गई हैं। इसमें अब हम सर्च करेंगे फ्लटर। ओके, ये फ्लटर आ गया है, इसको मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। ये हमें कुछ नोटिफिकेशन दे रहा है कि ये कुछ थर्ड पार्टी जो प्लगइन्स है वो भी इंस्टॉल करेगा, तो हम इसको यस कर देते हैं। और ये भी बता रहा है कि ये डार्ट को जो है इंस्टॉलेशन इसके, क्योंकि फ्लटर की डेवलपमेंट डार्ट में होती है, तो ये डार्ट को भी इंस्टॉल करेगा। हम ओके कर देते हैं। बिसने इंस्टॉलेशन कर रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे हम यहाँ पर। ओके, अब ये हमें कह रहा है कि एंड्रॉयड स्टूडियो को रीस्टार्ट करो, तो हम क्लिक करते हैं और रीस्टार्ट हो गया। अभी एंड्रॉयड स्टूडियो दोबारा मेरा रिस्टार्ट हो रहा है। एंड्रॉयड स्टूडियो रिस्टार्ट हो गया है। अब हमने जाना है फ्लटर डॉट आई ओ पे। दोबारा मैं आपके सामने लिंक शेयर कर देता हूँ, फ्लटर डॉट आई ओ। इस वेबसाइट पर अभी हम जाएंगे और ये हमें फ्लटर की वेबसाइट पर ले जाएगा। यहाँ पर अभी हमने क्या करना है कि हमने गेट स्टार्टेड कर देना है। ठीक हो गया, यहाँ पर हम विंडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब हमारे पास जो फ्लटर का एसडीके है वो प्रोवाइड कर रहा है। हम इस फ्लटर के एसडीके को डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारा एसडीके डाउनलोड हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम जो है इस एसडीके को एक्सट्रैक्ट करेंगे सी ड्राइव में। तो सी ड्राइव में जैसे यहाँ पर मेंशन भी है, हम यहाँ पर एक सोर्स की डायरेक्टरी बनाएंगे और उसमें इस एच डी के को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो बनाते हैं एक सोर्स का फोल्डर। यहाँ पर अब मैं एक सोर्स का फोल्डर बनाऊंगा। ये सोर्स का फोल्डर बन गया, इसको मैं ओपन करूंगा और फिर मैं जाके फ्लटर के एच डी के को वहाँ पर एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो इसको मैंने ओपन कर दिया, ये फ्लटर का एच डी के ओपन हो गया। इसको अब मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा सोर्स के फोल्डर में। तो ये भी कुछ टाइम लेगा, तब तक हम इसका वेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा जो फ्लटर के एस डी के है वह एक्सट्रैक्ट हो चुका है और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अच्छा, अब लास्ट स्टेप हमारा ये है कि अब हमने जो ये पाथ है, ये पाथ इन्वायरमेंट, इस पाथ को इन्वायरमेंट वेरिएबल के तौर पे हमने सेट करना है। ठीक है, तो जैसे कि इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर अभी मेंशन है कि हमने जो है अब अपडेट पाथ करना है, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल के तौर पर हमने वहाँ पर जाके इसको जो फ्लटर का जो हमारा एस डी के है उसमें बिन का जो फोल्डर है इसको पाथ के तौर पर सेट करना है। तो चलें पाथ सेट करते हैं। स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ पर इन्वायरमेंट सेट करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास विंडोज़ ओपन हो गई सिस्टम प्रॉपर्टीज़ की। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पाथ सबसे पहले मैं जाऊँगा और मैं इसका जो बिन का है इसको मैं कॉपी करूंगा। मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं न्यू पाथ सेट करूंगा, सॉरी यहाँ पर मैं एडिट करूंगा, यहाँ पर मैं न्यू पाथ सेट करूंगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम इस पाथ को सेट करेंगे, एडिट करूंगा मैं, न्यू करूंगा और यहाँ पर पाथ सेट हो गया। ओके गाइस, अब हमारा पाथ सेट हो चुका है, हमारी हर चीज़ ओके है। तो अब हम न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक हो गया, तो अब हम जाएंगे स्टार्ट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पर अब एक स्टेप हमसे जो है वो मिस हो गया था, वो ये है कि यहाँ पर अब हमने इंस्टॉल एसडीके करना है। ठीक है, तो एसडीके हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है,
हमने जस्ट उसका पासवर्ड करना है। तो हम जाएंगे सी में और सोर्स में और फ्लटर, ये पाथ हमने सेट कर देना है। ठीक हो गया, ये पाथ सेट हो गया, ऑल इज़ गुड। नाउ अब हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब हमारा एक एग्जाम्पल डॉट फ्लटर कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट फ्लटर के नाम से एक पैकेज नेम बनेगा जो न्यू प्रोजेक्ट में बनेगा। तो हम इसको फिनिश करते हैं। अब हमारा न्यू प्रोजेक्ट बन रहा है और ये फ्लटर का प्रोजेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारा फ्लटर इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम इसको रन करेंगे अपनी डिवाइस के ऊपर और चेक करेंगे कि हमारी एप्लीकेशन जो अभी हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो सही तरीके से रन हो रहा है कि नहीं। तो सिंपली मैं क्लिक ये प्ले के ऊपर क्लिक करूँगा और ये भी थोड़ा सा रहा टाइम लेगा रनिंग होने के लिए। ग्रेडल अभी बिल्ड कर रहा है। जैसे ही ग्रेडल बिल्ड अपना कंप्लीट करता है तो ये एप्लीकेशन हमारे डिवाइस के ऊपर चल पड़ेगी। ये देखें जनाब, अभी ये हम ये देखें अभी हमारी ऐप बिल्ड हो चुकी है। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट ऐप जो है फ्लटर ने हमें दी है। अब हम इस प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक काउंटर लगा हुआ है इसके ऊपर। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने आपको सिखाया कि फ्लटर को सेटअप कैसे करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।